उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर माह में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उद्योगपति प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लंदन के दौरे पर भी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर व्यंग किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत का गणित कुछ कमजोर है और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ अधिक ही गणित के आंकड़े लगा रहे हैं। सर, सरकार जो इन्वेस्टर समिट कर रही है उसमें 2.5 लाख करोड़ के निवेश का सरकार ने अनुमान लगाया है, आप लोगों का अनुमान इसमें क्या है? भाई, एक मामले में जरूर मैं धामी जी को आगे देखूंगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गणित जरा सा कमजोर था, शायद उनकी गिनती कम थी, वो कम का निवेश लाए थे, नहीं किए थे, और ये ज़रा ज़्यादा लक्ष्य रखकर के बताया। लेकिन जो पहला समिट हुआ था उसके बाद हमारे गांव भर की ज़मीनें बिक गई सारी, बंतरा रिजॉर्ट जैसे बने जो हमारे स्वाभिमान पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, गाँव गाँव की ज़मीनें बिक गई। अब भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि दूसरे समिट के बाद जो रही सही उत्तराखंड की ज़मीन और हमारी संस्कृति है वो बच जाए।